गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है प्लांट मॉलिकुलर फार्मिंग। इसको प्लांट यूज़ ऐसा बायो रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जो एनिमल है उसकी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है या सर्वाइवल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए एक सबसे ज़्यादा इसेंशियल यूनिट जिसे प्लांट कहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्लांट है वो उसको फूड प्रोवाइड करवाता है जो एनिमल को। ठीक है, प्लांट जो है अपना फूड खुद ही बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके, और वो वेरियस फाइटोकेमिकल को भी सिक्रीट करता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी आप कह सकते हो। प्लांट अपना फूड भी खुद बनाता है और वेरियस फाइटोकेमिकल या मेटाबोलाइट्स को भी प्रोड्यूस करता है जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, या फिर आप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, उसके द्वारा ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप किया जाता है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे फाइटोकेमिकल या सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो प्लांट बहुत लो अमाउंट में नेचुरली प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से हम ऐसे प्लांट डेवलप करेंगे जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो केमिकल है या फाइटोकेमिकल है या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या फिर कुछ अदर कंपाउंड है उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड नेचुरली प्लांट से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत लो अमाउंट में होते हैं। तो इस चीज़ को ही हम कहते हैं प्लांट को हमने ऐसा बायो रिएक्टर यूज़ किया नेचुरल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अब हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करने हैं या फिर फाइटोकेमिकल प्रोड्यूस करने हैं प्लांट को यूज़ ऐसा बायो रिएक्टर करके। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम किस तरीके से अपना फाइटोकेमिकल प्रोड्यूस करें प्लांट के द्वारा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में। तो उसके लिए हम पहला तो ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, उस प्लांट के अंदर कोई जीन ट्रांसफ़र करके उससे हम अपना वैल्यूएबल प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर। एक्स प्लांट को ले लेते हैं, प्लांट से स्टरलाइज करते हैं, कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैलस बनता है, कैलस को एजिटेट करके उसे सिंगल सेल आइसोलेट कर लेते हैं और उसे सस्पेंशन कल्चर बना लेते हैं। सस्पेंशन कल्चर ल्यूकिड कल्चर होता है जिसके अंदर सेल सस्पेंडेड रहती हैं। ये भी कुछ वैल्यूएबल कंपाउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। इस प्रोसेस के द्वारा भी बहुत सारे वैल्यूएबल कंपाउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसप्लांटोमिक प्लांट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जीन ट्रांसफ़र करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस किया जाता है। जो लास्ट है वो है हाइड्रोफोनिक कल्चर। हाइड्रोफोनिक कल्चर में प्लांट को सॉइल लेस कल्चर किया जाता है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसके अंदर हाइड्रोफोनिक कल्चर होता है जिसके अंदर वाटर फ्लो करता है, उसके अंदर कल्चर करके भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस किया जा सकता है अपने प्लांट को ग्रो करवा के हाइड्रोफोनिक्स के अंदर, और वो प्लांट का यूज़ करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और है हेयरी रूट कल्चर। हेयरी रूट कल्चर का यूज़ करके भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। हेयरी रूट कल्चर के लिए जो प्लांट का एक्स प्लांट है, हमारा एक्स प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से। जब राइजोजीन से इन्फेक्टेड कर देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी हेयरी रूट डेवलप हो जाती हैं। ये स्ट्रेटजी हेयरी रूट कल्चर उन प्लांट के लिए यूज़ की जाती है जो प्लांट अपने रूट के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो मॉलिकुलर फार्मिंग है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। देखो, स्टेप्स को हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले जीन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो भी हमारे जिस प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है प्लांट में उसके लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, उस जीन को क्लोन किया जाता है वेक्टर के अंदर। ठीक है, वेक्टर के अंदर क्लोन किया, जीन ट्रांसफ़र मेथड के द्वारा प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जीन इसके अंदर आ गए, जीन गन मेथड से ट्रांसफ़र किया जाएगा, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड, एग्रोवेक्टरियम टूमिफिकेशन मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड किसी के द्वारा भी कर सकते हो। ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। अब ये हमारा इसका प्लांटेशन करेंगे तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, जब प्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। हार्वेस्ट करने के बाद एक्सट्रैक्शन या प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। हमारा जो कंपाउंड की जीन हमने इसमें ट्रांसफ़र करी थी उस कंपाउंड को
आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा और उस मेटाबोलाइट्स को मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। ठीक है, तो ये था उसका पूरा स्ट्रेटजी कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फाइटोकेमिकल या फिर कोई स्पेशल टाइप का केमिकल या कंपाउंड प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे आता है प्लांट एग्जांपल ऑफ द प्लांट यूज़ ऐसा बायोरिएक्टर। यहाँ पे देखते हैं हम कुछ प्लांट के एग्जांपल जो यूज़ किए गए हैं ऐसा बायोरिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लोडेक्सट्रिन एक कंपाउंड है जिसका यूज़ ड्रग डिलीवरी में किया जाता है। ठीक, ये नेचुरली प्रोड्यूस प्लांट से नहीं होता है। ठीक है, पोटैटो प्लांट से नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है। इसके लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए देखो क्या इसेंशियल है, एक जीन इसेंशियल है। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, साइक्लोडेक्सट्रिन, साइक्लोडेक्सट्रिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम रिएक्ट करता है जिसका नाम है साइक्लोडेक्सट्रिन ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेस एंजाइम। ठीक, इस एंजाइम यानी कि साइक्लोडेक्सट्रिन ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेस की जो जीन है CGTAs, इसको आइसोलेट करेंगे क्लेबसेलिया बैक्टीरिया से। ठीक है, इस जीन को आइसोलेट किया क्लेबसेलिया बैक्टीरिया से और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पोटैटो के अंदर। अभी जो हमारा पोटैटो प्लांट है, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये जो पोटैटो प्लांट है ये प्रोड्यूस करने लगेगा साइक्लोडेक्सट्रिन और इस कंपाउंड को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। प्लांट का यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी या माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन प्लांट को यूज़ ऐसे कर सकते हैं बायोरिएक्टर के द्वारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है, दो तरीके के बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं, एक PHA एक है PHB। तो प्लांट के द्वारा PHB को बनाना पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं PHB प्रोडक्शन इन साइटोप्लाज्म। इसकी लिमिटेशन भी है कि साइटोप्लाज्म में बहुत कम अमाउंट में जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है PHB वो प्रोड्यूस बहुत लो अमाउंट में होता है। ठीक, तो इसके लिए अगर हमें PHB प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करना है, PHB यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटीरेट। ठीक है, इसका पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटीरेट को साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इसके यानी कि PHB पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटीरेट के प्रोडक्शन के लिए तीन जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, 3-कीटो-थियोलेज पहली जीन है, जो दूसरी है वो है एसिटो-एसिटिल COA रिडक्टेज, जो थर्ड है PHB सिंथेसिस। ठीक, ये तीन जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं PHB पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटीरेट के सिंथेसिस में। इस जीन पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों जीन को आइसोलेट किया गया एल्केली जीन्स यूट्रोपस बैक्टीरिया से। ठीक है, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया और देखो जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल अरेबिडोप्सिस का, ठीक, इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंटेड 3-कीटो-थियोलेज जीन, यानी कि पहली वाली 3-कीटो-थियोलेज इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अब अरेबिडोप्सिस में हमें ये दोनों जीन को इंट्रोड्यूस करना है, यानी PHB, PHAB और PHAC जीन को, यानी कि एसिटो-एसिटिल COA रिडक्टेज की जीन और PHB सिंथेसिस की जीन को हमें यहाँ पर अरेबिडोप्सिस के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये दोनों जीन ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा अरेबिडोप्सिस होगा वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, लेकिन बहुत लो अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। तो देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया गया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे किया गया कि जो तीनों जीन थी यानी कि PHA, PHAB और PHAC, इन तीनों जीन को जो अरेबिडोप्सिस है उसके प्लास्टिड के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है प्लास्टिड के अंदर प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगा, अबव मतलब 40% ड्राई वेट था प्लांट का, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक था वो प्रोड्यूस होने लगा। 14% प्लांट को ड्राई करोगे तो उसका जो वेट होगा उसका 14% जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा, जो ट्रांसजेनिक एरोबिडोप्सिस प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस हुआ जब हमने तीनों जीनों को
उसके प्लास्टिक के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द बायो प्लास्टिक इन कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर के द्वारा भी प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ द हिरुडिन प्रोटीन इन ब्रैसिका नेपस। जो हिरुडिन प्रोटीन है वो एक नेचुरली ऑक्योरिंग एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, जो इसे आइसोलेट किया जाता है सलेवरी ग्लैंड ऑफ द लीचेस, यानी कि जो ब्लड ब्लड सकिंग लीचेस होती है उनकी सलेवरी ग्लैंड से इसे आइसोलेट किया जाता है। इसके अंदर जो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसे मेडिसिन में इम्पॉर्टेंट बनाती है वो ये है कि ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देता, ठीक है। ये इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये हार्ट अटैक के पेशेंट को पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर हिरुडिन प्रोटीन का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए ये मेडिसिन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिरुडिन प्रोटीन। हिरुडिन प्रोटीन को अभी तक जो है बैक्टीरिया से या ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा भी इस प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो हिरुडिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन है उसको आर्टिफिशियली सिंथेसिस करते हैं, उस जीन को फिर प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है बैक्टर के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है आ सिंथेटिक जीन दैट इनकोड द हिरुडिन प्रोटीन वाज फ्यूज्ड विद अरबिडोप्सिस ओलियोसिन जीन, ठीक। तो इस जीन को, मतलब हिरुडिन की जो जीन है उसको आर्टिफिशियली सिंथेसिस की जाएगी उस जीन की, और उस जीन को वेक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा प्लांट के यानी अरेबिडोप्सिस के अंदर, जहां पर वो ओलियोसिन जीन के साथ उसे अटैच किया जाएगा। ओलियोसिन जीन इनकोड करती है प्रोटीन को, ठीक। वो ओलियोसिन जीन के साथ क्यों, मतलब उसी के साथ फ्यूज़ करके क्यों फ्यूज़ क्यों किया गया प्लांट के अंदर इस जीन को हिरुडिन की जीन को, इसको समझते हैं। जो ओलियोसिन जीन है ये इनकोड करती है प्रोटीन को, जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है लिपिड बॉडीज़ के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर जो ऑयल बॉडीज़ होंगी उसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये ओलियोसिन प्रोटीन, मतलब जो ऑयल बॉडीज़ होंगी प्लांट के अंदर उसके अंदर ये ओलियोसिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। उसी के साथ हमने फ्यूज़ की थी हिरुडिन की जीन, वो भी एक प्रोटीन है, तो यानी कि वो प्रोटीन भी हमारी जो ऑयल बॉडीज़ हैं हमारे प्लांट के अंदर उसके अंदर ही आ जाएगी हिरुडिन, तो उसे आइसोलेट करना इजी हो जाता है। इसीलिए हमने ओलियोसिन जीन के साथ हिरुडिन प्रोटीन की सिंथेसिस करने वाले जीन को फ्यूज़ किया। इसका मतलब जो हिरुडिन है और जो ओलियोसिन जीन की जो प्रोटीन्स है दोनों ही हमारे प्लांट यानी अरेबिडोप्सिस की अंदर जो ऑयल बॉडी होंगी उसके अंदर ऑयल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होंगी, तो ऑयल बॉडी से प्रोटीन को आइसोलेट करना और उसे ओलियोसिन जीन से, मतलब ओलियोसिन जीन और जो हमारी हिरुडिन प्रोटीन है उससे प्यूरिफिकेशन करना इजी है, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन हमारी ऑयल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हम अपने हिरुडिन प्रोटीन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं दूसरे पे, प्रोडक्शन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम इन प्लांट। देखो जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो डिग्रेड करते हैं वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन को और लिपिड को, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनको डिग्रेड करते हैं, जिनका डिग्रेडेशन लाइसोसोम करता है, ठीक। अब अगर कोई पर्टिकुलर एंजाइम अब्सेंट है जो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन करेगा तो कोई डिसीज़ कॉज होगी, तो इस डिसीज़ को क्योर करने के लिए लाइसोसोमल एंजाइम का यूज़ किया जाता है। उस पर्टिकुलर एंजाइम को की सिंथेसिस की जाएगी और उसको ह्यूमन की डिसीज़ को ट्रीट किया जाएगा उस एंजाइम से, तो ऐसे एंजाइम को भी हम प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस की जो जीन होती है उससे प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब मैं आपको स्टार्टिंग से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक होता है मैक्रोफाज, मैक्रोफाज के अंदर होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है ये वाला एंजाइम, ठीक। इसकी जो जीन होती है लाइसोसोम के अंदर म्यूटेंट हो जाती है, तो अब क्या होगा, जो हमारा मैक्रोफाज है उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होगा लेकिन ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। अब हमारा जो मैक्रोफाज है वो क्या करता है, जो डैमेज सेल होती है या पैथोजन होते हैं उसको इंगल्फ कर लेता है।
अब उसके बाद क्या करता है, उसको डिग्रेडेशन करता है सिंपल कंपाउंड में, जो भी उसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब उसके अंदर ये वाला उसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। ठीक, ये जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड है साइड है, ये जो है डिग्रेड ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये इस ये एंजाइम ही नहीं है, इस एंजाइम की जीन म्यूटेंट हो चुकी है और ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड भी डिग्रेड नहीं होगी और ये मैक्रोफाज के अंदर ऐसे ही एक्यूमुलेट होती रहेगी। और ये जो सेल है ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है हमारे हार्ट के पास, लीवर के पास और बोन मैरो में। ठीक है, यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है और इस डिसीज़ को गाउचर डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है, जेनेटिक रेयर डिसऑर्डर है, तो इसको ट्रीट करने के लिए ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। ये जो प्रेजेंट टाइम में देखो, ये जो एंजाइम है ऑब्टेन किया जाता है ह्यूमन प्लेसेंटा से, जो कि या फिर मैमेलियन सेल कल्चर से, बोथ, ये दोनों ही बहुत कॉस्टली हैं। लेकिन ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम, यहाँ पर ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम होगा। ठीक है, ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइड लिखा है ना, यहाँ पर ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज होगा। यहाँ पर इस लाइसोसोमल एंजाइम को टोबैको प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फर्स्ट, और ये पहला लाइसोसोमल एंजाइम है जो प्लांट को यूज़ करके प्रोड्यूस किया गया, और ये FDA अप्रूव्ड है, जो इस यानी कि गाउचर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखो, अल्फा एल आइडूरोनिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा, इस एंजाइम की जीन को ट्रांसफ़र करके इस एंजाइम को ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इस एंजाइम का यूज़ हुरलर सिंड्रोम के, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं थेरेप्यूटिक प्रोटीन के, जो प्रोड्यूस किया गया है प्लांट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इन जैसे अल्फा बीटा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, या फिर HAS है, अल्फ़ा इंटरफेरोना हिरुडेन है और ह्यूमन सोमेटोट्रोपिन है, ये जितने भी हैं यहाँ पर इन सब के जीन को आइसोलेट किया गया या आर्टिफिशियल जीन इनकी सिंथेसिस की गई, उसके बाद प्लांट के अंदर इंटीग्रेट किया गया इस जीन को, और उसके द्वारा ये कंपाउंड, ये प्रोटीन को जो है सिंथेसिस किया गया, मतलब प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है वैक्सीन प्रोडक्शन इन प्लांट होस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंटीजन का प्रोडक्शन, या बहुत कम एक्टिवेट, मतलब जिनमें एक्टिविटी बहुत कम होती है उन एंटीजन का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसे रेबीज वायरस ग्लाइकोप्रोटीन का की जो जीन थी उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, और रेबीज वायरस ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस किया गया प्लांट के अंदर, और फिर इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, इस एक्सट्रैक्ट की हुई प्रोटीन को यूज़ किया गया ऐसा एंटीजन और प्रोड्यूस की गई वैक्सीन। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं एंटीजन के, जिनका यूज़ जिनको ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, और कौन से प्लांट के अंदर किया गया, यहाँ पर उन प्लांट के नेम दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एंटीजन है, एंटीजन को आइसोलेट किया गया और उसको वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया गया जीन गन मेथड से। ठीक, यहाँ पर आरएनए वायरस है, अगर आरएनए वायरस है उसको भी उसके अंदर की जो मतलब जो जीन है जो प्रोटीन को इनकोड करेगी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी गई। इस ट्रांसजेनिक प्लांट ने क्या किया, प्रोड्यूस किया वो प्रोटीन जिसका यूज़ करके हम वैक्सीन बनाएंगे, यानी कि वो प्रोटीन एंटीजन होगी। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, यानी कि वो एंटीजन का टेस्ट करते हैं और अपनी वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है सम एंटीबॉडी, प्लांट के द्वारा एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर एक सिंगल जीन ट्रांसफ़र करके, मतलब सिंगल ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जा सकती है। कुछ प्लांट के अंदर एंटीबॉडी की हैवी चेन, लाइट चेन अलग अलग प्रोड्यूस होती है, फिर बाद में कंबाइन होती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर नेम दे रखे हैं कौन कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, और यहाँ पर प्लांट के नाम दे रखे हैं कि इन प्लांट के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई है।
तो यहाँ पर ये था हमारा कि हम कैसे प्लांट को यूज़ कर सकते हैं ऐसा बायो रिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड। ये जो कंपाउंड होंगे ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होंगे या उसकी लाइफ को ईजी बनाएंगे। इसके बाद आता है सम इंडस्ट्रियल एंजाइम, ठीक है, इनका भी प्रोडक्शन हम प्लांट के द्वारा कर सकते हैं। अल्फा अमाइलेज, सेलुलेज जैसे जो एंजाइम है इसका भी प्रोडक्शन हम प्लांट के अंदर इन एंजाइम की जीन ट्रांसफ़र करके, या अगर जीन पहले से प्रेजेंट है उस एंजाइम की तो उसके ओवर एक्सप्रेशन से भी हम इन एंजाइम का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं।